शिमला से हैं शास्त्री जी, स्वागत है आपका। मैडम हाँ जी सर, बताइए। हकीम सुलेमान जी से बात करनी थी। जी बात हो रही है जनाब, बताएं क्या सवाल है। जय हिंद। पहले एक बार कोशिश की थी, मैं जल्दी में बात पूरी नहीं कर सका। मैं काफी समय से आपकी दवा ले रहा हूँ, गौंद से हा जैतून का सिरका, तो इससे मुझे काफी फायदा है। और जैतून का सिरका मैंने एक बार ही पिया है। इसके साथ साथ एम केयर और जैतून नमक, फिर मैं बीपी और इसका भी शुगर का भी पेशेंट हूँ, पी केयर भी खा रहा हूँ साथ साथ। तो ये कब तक मुझे दवा लेनी होगी? नींद जो है मुझे वो भी बड़ी कम आती है। और दूसरी बात एक और करनी थी, एक 15 साल के बच्चे के लिए जिसके आंखों पर दाग है, बाबची मंगवाई है, पहले भी मैं क्लियर नहीं कर सका, उसका प्रयोग कैसे करना है ताकि उसका जो वो सफेद दाग है वो ठीक हो जाए सर? ठीक है, देखिए डायबिटीज तो आपकी कंट्रोल रह सकती है और अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं आया है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई इलाज आ जाए कि डायबिटीज़ से निजात मिल जाए, लेकिन कंट्रोल ही सब रखती हैं। आप अपनी दवाएं भी खाएं और ये जैतून का सिरका भी लें और आपको फ़ायदा भी है। और दूसरे कई रोग आपके जा सकते हैं, कई रोग रहेंगे लेकिन वो कंट्रोल में रहेंगे, तो आप ये इस्तेमाल करते रहें। और इस बच्चे के लिए जो आपने बापची मंगाई है, ये बापची देखिए 3-4 दाने इसके चबा के रोज़ाना एक बार खाएं और बहुत सब्र करें। ये 3-4 दाने एक बार खाएं और सब्र करें और 2 महीने में अगर उस दाग का, जो सफ़ेद दाग बच्चे के है, रंग बदलता है तो समझ लीजिए ये बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें 1-2 साल भी लग जाते हैं। सबसे लंबा इलाज इसी रोग में चलता है। हम भी परेशान हो जाते हैं, शर्म आने लगती है आपको कोई नुस्खा बता के, और मरीज़ भी परेशान होता है कि कितनी दवा खाएं। अगर इसका रंग बदलता है तो ठीक होना मुमकिन है, रंग नहीं बदलता है तो समझ लीजिए कि इससे फ़ायदा मुमकिन नहीं है।